हे गाइस व्हाट्स अप, नील हियर। आप देख रहे हैं एसएल एडिट्स। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने फोटो में कुछ इस टाइप का नियॉन लाइट इफेक्ट डाल सकते हो, वो भी सिर्फ पिक्सआर्ट की मदद से। जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ पिक्सआर्ट की मदद से। तो बहुत ही इजी ट्यूटोरियल के जरिए आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को जो फोटो है उसको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर दिखेगा आपको टूल्स वाला ऑप्शन, वहाँ पर टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद जो ब्राइटनेस है उसको धीरे धीरे डिक्रीज कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिक्रीज कर रहा हूँ, देख सकते हो गाइस। लेफ्ट साइड में जो इरेज वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इरेज वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपेसिटी एंड हार्डनेस को कम कर देंगे, ठीक है। साइज अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है गाइस। उसके बाद फेस के ऊपर जो डार्कनेस आ रहा है उसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ धीरे धीरे से, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो इरेज तो हो गया, ठीक है गाइस। उसके बाद यही स्टेप फिर से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। इससे जो डार्कनेस है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इरेज करते हैं पहले की तरह सेम टू सेम कर देना, ठीक है गाइस। सिर्फ और सिर्फ फेस के ऊपर ही जो डार्कनेस आ रहा है उसको आप लोगों को इरेज करना होगा, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो मैं कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी जल्दी से। उसके बाद डन कर देंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद जाएंगे ब्यूटीफाई वाला ऑप्शन पे, वहाँ पर देख सकते हो गाइस आइस कलर वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आइस कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को दो सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। ये दो सर्कल आप लोगों को जो आई बॉल है वहाँ पर आप लोगों को सेट करना होगा। तो देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, आप भी ठीक है ऐसे ही सेट कर देना, ठीक है गाइस। देख सकते हो उसके बाद जूम आउट करके वहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो बहुत सारा आइस का कलर आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। तो मैं यहाँ पर ब्लू वाला जो कलर है उस पर सिलेक्ट कर देता हूँ एंड ओपेसिटी को इंक्रीज कर देता हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है आइस का उसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हार्डनेस एंड ओपेसिटी को मैं कम करके इरेज कर रहा हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है, ठीक है। इससे फेक नहीं लगेगा गाइस, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो आइस है वो लग चुका है एंड बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है गाइस, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल में, ठीक है गाइस। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पर जो ब्रश है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो ब्रश है उसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो साइज है उसको आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। एंड ओपेसिटी जो है उसको 100 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रश का साइज सेट कर देंगे। मैं यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, देख सकते हो गाइस यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो आइस का साइड है वहाँ पर एक लाइन मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। देख सकते हो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद राइट साइड में आप लोगों को दिखेगा लेयर्स वाला ऑप्शन, देख सकते हो ऊपर राइट साइड में लेयर्स वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है उसको चेंज करके ओवरले कर देंगे, ठीक है। ओवरले कर दिया। उसके बाद हम लोगों को जो आँखों का साइड में थोड़ा सा जगह बचा था वहाँ पर इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते, ब्रश ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद सेट कर देंगे, उसके बाद वहाँ से इरेज कर देंगे। हो गया गाइस, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद फिर से जाएंगे लेयर वाला ऑप्शन पर, यानी एक और एम्प्टी लेयर ऐड कर लेंगे, ठीक है। एम्प्टी लेयर ऐड करने के बाद यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट करता हूँ मैं ये वाला ब्रश, ठीक है।
उसके बाद ओपेसिटी 100 एंड साइज अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 20 रख रहा हूँ, उसके बाद सेट कर दिया। उसके बाद सेट करके एक और लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, देख सकते हो गाइस। उसके बाद फिर से जाएंगे लेयर वाला ऑप्शन पे एंड इसको ब्लेंडिंग मोड फिर से ओवरले कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ओवरले कर दिया, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे एंड देन और एक एम्प्टी लेयर ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। तो फिर से पहला वाला ब्रश जो तीसरे नंबर पर था उसको सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाकों के ऊपर से मैं एक और लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, इससे थोड़ा और अच्छा लगेगा शायद मेरे। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था उसको मैं वो वाला जो ब्रश है ये वाला ब्रश इससे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हो गाइस, इरेज कर दिया। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही कम टाइम में हमने ये वाला इफेक्ट अपने फोटो में डाल दिया। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो कर देना एक लाइक, एंड अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।